और ये मीठी खस्ता कचौरी किसकी है साहब? ये लीजिए साहब। रुक 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 बेटा, एक काम कर, ये मुझे दे। तू दो नंबर पे लस्सी ले जा और पांच नंबर पे दाल मक्खन मार जा। ये है मनोहर भाई, अपने पिता से विरासत में मिले इस होटल को बड़े प्यार से चलाते आ रहे हैं। वैसे तो शहर में कैफे कल्चर खूब उभर रहा है, पर इनकी मावा कचौड़ी की खुशबू आज भी सबको इसी होटल में खींच लाती है। तभी तो किसी भी सुबह लोग आपको यहाँ अखबार पढ़ते, चाय की चुस्की पे चर्चा करते, तो कुछ दीवार पे टंगे शीशे को देखते हुए ऑफिस जाने से पहले वो आखिरी कंघी करते नजर आते हैं। मगर किस्मत और वक्त की मार हमारे मनोहर भाई पर कुछ ऐसी पड़ी कि अपनी बीवी के इलाज के लिए अपना होटल गिरवी रखना पड़ा, और किस्तें ना चुकाने की वजह से होटल के बाहर बैंक वालों ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया। अब तो खरीदार भी आने लगे थे। खैर, बिकती दुकान की चिंता दबाए मनोहर भाई आज बड़े उत्सुक थे। भाई, दिवाली का दिन था और थाली बस खास मेहमानों के लिए सजने वाली थी, तो बस वो बड़ा पोत निकाला जो जितना पुराना हुआ था उतना ही स्वाद देता गया, और सारे पकवान खुद ही पकाए। अब बस उन खास मेहमानों का इंतजार है। अरे हैप्पी दिवाली है, हैप्पी दिवाली, पार्टी अंदर है। हेलो जी, आने में तकलीफ तो नहीं हुई? शुक्रिया मनोहर भाई, मेहरबानी मेहरबानी। अब अगले साल इन बच्चों की दिवाली, अगले साल की चिंता छोड़िए ना, अगले साल दिवाली घर पर मन जाए। आप आइए। सही कहा मनोहर भाई ने, दावत घर पे ही होगी, क्योंकि दुकान तो अपनी पहचान नोटिस भी चल रहा है ना, हो रही थी। अरे ये बोर्ड उतार क्यों रहे हैं लेकिन? अरे भाई साहब, लो मालिक आ गए, आप मालिक से बात कीजिए प्लीज। सर नमस्कार, देखिए आज दिवाली की शाम है, अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर आप मेहरबानी करके इस बोर्ड को कल उतरवा लें सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर। मनोहर काका, मैंने सोचा कि दिवाली के दिन अगर एक नया बोर्ड लग जाए तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। नेकी की रोशनी हो, नेकी की रोशनी जो जग में तू जलाएगा, नेकी की रोशनी जो जग में तू जलाएगा, अंधेरा फिर कभी तुझे छू न पाएगा, अंधेरा फिर कभी तुझे छू न पाएगा। Kindness resides in all of us. We just have to find it for others. Spreading kindness since 1995 by providing quality medicines at affordable prices.